मौत को लेकर अस्पताल में बवाल, पोस्टमार्टम की बात सुन भड़के लोग, चेयरमैन के दबाव पर डॉक्टर ने पैतरा बदला। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। खबर बलिया से। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर में आज शनिवार के अपराह्न ठंड भरे मौसम में उस समय गर्म माहौल बन जाने से अफरा तफरी और गहमा गहमी का परिदृश्य समूचा अस्पताल परिसर बन गया, जब एक मरीज को गंभीर हालत में उपचार के लिए लेकर पहुंचे परिजन। चिकित्सक ने मरीज को देखते ही बगैर पोस्टमार्टम हुए उसे जहर खाने से मौत होने की पुष्टि तक कर डाली। सीयर अस्पताल के चिकित्सक के ओवर एक्टिंग ने मौत से गमगीन मृतक के परिजनों व उनके सहयोगी सहित आमजन भी चिकित्सक की बात सुन भड़क गए। हालात ऐसा बना कि करीब घंटों बवाल चलता रहा। कुछ देर बाद इसकी जानकारी पाकर निवर्तमान चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्त सहित अनेक समाज सेवी अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टर के एक तरफा कार्रवाई से खिन्न हो गए। वहीं चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्त ने चिकित्सक की इस बेवजह कार्रवाई पर लगाम कसते हुए शव को उनके परिजनों के सुपुर्द कराकर माहौल को शांत करने में सफल दिखे। चेयरमैन ने मृतक के परिजनों को ढांढस भी बंधाया। मिली जानकारी के अनुसार उभाव थाना क्षेत्र के बेलथरा रोड नगर के वार्ड नंबर 9 के इमिलिया मोहल्ला निवासी मोहम्मद सफीउल्लाह उर्फ भोला मिस्त्री की शनिवार के सुबह लगभग 11 बजे अचानक तबीयत खराब होने पर परिजन सीएससी सीयर ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जहां मौके पर मौजूद डॉक्टर एलसी शर्मा द्वारा जहर खाने से हुई मौत की बात रजिस्टर में दर्ज करने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान डॉक्टर एलसी शर्मा के खिलाफ की गई शिकायत को लेकर मौके पर पहुंचे जांच टीम के नोडल व एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एसके गुप्ता, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर योगेंद्र दास भी मौजूद रहे। हंगामे की खबर मिलते ही उभाव इंस्पेक्टर राजीव कुमार मिश्र भी दल बदल के साथ पहुँच गए। इसके बाद सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, इंस्पेक्टर राजीव कुमार मिश्र और निवर्तमान चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्त के पहल पर डॉक्टर की बात से क्षुब्ध परिजनों व अन्य के द्वारा लगभग 3 घंटे चला हंगामा शांत हुआ और मृतक के शव को पंचनामा के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान जसुराम राजभर द्वारा की गई शिकायत पर डॉक्टर लालचंद शर्मा की पहुंची जांच टीम को जसुराम राजभर ने डॉक्टर लालचंद शर्मा का यहाँ से तत्काल स्थानांतरित कर जाँच करने की मांग की। साथ ही कहा कि आज जो हंगामा हुआ है वह डॉक्टर लालचंद शर्मा की ही देन है, जो आप लोग भी देखे हैं। धन्यवाद, आप देखते रहें भारत मीडिया। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शीतल निर्भीक की ब्यूरो रिपोर्ट। कार्रवाई हो रही है और इसी क्रम में आपकी जो पत्र है उसका सीएमओ सर ने बड़ी गंभीरता से संज्ञान लिया है और इसीलिए यहाँ पे इतने लोग हैं। और एक बात बताइए, जब यहाँ जांच हुई उसकी बकायदा हम लोग यहाँ आ रहे थे, आपसे बात हमने बताया भी आपको, बिल्कुल है ना, तो निष्पक्ष जाँच हो रही तभी तो आपको बताया, बिल्कुल हो रही है, सब तरीके से आते और चले जाते, इसीलिए भाषा।